7/9 या 8/9 की तारीख में यहाँ पर ATS आती है, ठीक है, उदगीर आती है ATS, और उदगीर आने के बाद ATS जाती है वाइट बिल्डिंग में जहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलते थे, और बाहर से हिमायत बेग आवाज़ देता है अब्दुल, और उसके बाद आप अब्दुल सैयद दरवाज़ा खोलते हैं और आप मना कर देते हैं कि मैं अपनी खुद की तलाशी नहीं दूंगा, मैं जो पढ़ा जो इसमें लिखा है, और फिर आप पहली फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, एक दरवाज़ा खोलते हैं राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर एक पलंग है डबल बेड, वहाँ से हिमायत बेग प्लाई उठाता है बेड की, प्लाई उठाता है और एक नायलॉन का बैग निकालता है हिमायत, जिसमें एक प्रेशर कुकर का डिब्बा रखा होता है, उसमें से एक और फिर बैग निकलता है, ये सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का बैग होता है, फिर एक और उसमें कैरी बैग होता है येलो कलर का, और उसमें फिर वो बताता है कि इसमें बारूद है, और ये कह रहे हैं कि ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ, जिसमें तो क्या ऐसा हुआ था? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, क्या हुआ था? पहचानते हैं कौन है, हसन है वो, मैं क्या करता कंप्यूटर की क्लास वगैरह पढ़ा था, कब से मैं मतलब दिनों से कब से आया, एक महीने का टाइम होगा तो उसे एक या डेढ़ महीना से तक अब तक डिटेल नहीं मालूम, तारीख बात नहीं बोल सकता मैं, एक डेढ़ महीना हो गया हूँ उसका, कब से गायब है, लाइक 8 बजे से नहीं बुला रहा है, वो बोले कि ना ही इसका नाम हिमायत है ना ही और कहाँ गए हैं, परभनिका है ना ही परभनिका है, वो बोले लेकिन मैं कुछ नहीं पूछा, मैं घबरा गया था ये क्या हो रही है, बाहर से वो लोग आए तो ऐसा अचानक आधे रात में आए कि उठा रहे क्या ये सब कोई गुंडे जा गए ऐसे समझा पहले, तो कुछ भी नहीं बोले, फिर वो क्या कहते सबसे ये होने के बाद सब सामान सब सही कर दिया, बेड स्टीवारे बोले सब, फिर वापस गए फिर और एक बार ही करे शूटिंग, फिर से शूटिंग करें जी, तो पहली बार जब आए तब भी शूटिंग कर रहे थे, तब भी तो फिर बोल के गए कि अब फिर से आएंगे फिर से शूटिंग, हाँ फिर एक बार दरवाज़ा बंद करो बोले चलो करेंगे, गए वापस दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए, फिर से वैसे ही, फिर मुझे नीचे हाथ पकड़ के रुकाए सब सामान वगैरह ये करके, तो लेकिन क्या कहते हैं मशीन वगैरह ऐसा नहीं मालूम, पहचान था उनके हाथ में, तो 15-20 लोग थे, 15-20-25 होंगे, 2-3 गाड़ी थी शायद, ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर बारूद मिलता तो मुझे भी नहीं छोड़ते थे, ऑन द स्पॉट मैं वहाँ पे था, फिर बोलते हैं कि उसमें एक शोल्डर गन थी, एक शोल्डर वायर था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो आपको कुछ उन्होंने कहा कि आप ऐसा कहिए वैसा कहिए? जी, क्या बोलते थे आपको? बाद में जब गवाही का टाइम आ गया था तो बोले वहाँ पे बुलाया उसे। दो तीन दिन रहे। कहाँ पर? रेस्ट हाउस में, पुणे में, लॉज पे, हाँ पुणे में जी, इन रूम में दोनों साथ में थे, दोनों अपन साथ में गए जी, रेस्ट हाउस में भी दिन भर रुके, शाम में इस पे लॉज पे हमारे साथ, तो गले काटो पुलिस रहता था हमारे साथ लॉज में, वहाँ पे खाना वाना सब खा के फिर दूसरे दिन बोले सब देने बोला आप क्या क्यों बुलाए, नहीं ना कुछ भी नहीं छोटा सा काम है ये बोल के बुला लिया, तो बुलाने के बाद दूसरे दिन आपको गवाही देना है बोले बोलो ठीक है बोला मैं देंगे बोला वहाँ पे, एक दिन पहले फिर एक ऐसा वकील ले गया दूसरा बोले समझो ये वकील है आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको वैसे जवाब वहाँ पर देंगे, वकील दूसरे हैं अपने बोले एक यंग लड़का था वो हाँ कुछ है मेरा नाम क्या है उम्र क्या है ऐसा है, तो वहाँ पे आप कब से रहते थे ना ये है वहाँ पे आप उनका बैग मिला था मतलब मिला था तो उसके अंदर ये चीज़ें थे मतलब मैंने देखा मुझे नहीं मालूम था, तो बोले नहीं नहीं वैसे कोई बैग में था हम तू डर जाएगा बोलते हम तुझे नहीं बताए बोले मतलब तू डर जाएगा इसलिए हम कुछ नहीं बताए तुझे लेकिन तू देखा है सब उनको बोल दे ऐसा बात, तो फिर ऐसा कुछ सब तैयारी करे सर ये सब चीज़ तू नहीं तू सिग्नेचर भी क्या बोला सर मैंने सिग्नेचर नहीं किया लेकिन सिग्नेचर किया होगा तो जब आप ये लिखे तो वो नहीं था मेरे सामने सब कुछ तो बैग मिला था इनके पास बोले तो उसके अंदर जो खाकी बैग कुछ ही नहीं था
कि वो ऐसा बोलने का डी आई जी के सामने लग गया मुझे संजय नाथ करके वहाँ पर लग जाने के बाद वहाँ पर बैठा सामने डी आई जी के सामने और एक द्वारके और बॉय गाय पड़ा सब कुछ दो ए पी आई थे ए पी आई भी थे और ए सी पी भी थे ना वो क्या नाम नहीं लोगो पी आई थे हाँ वो भी थे दो तीन लोगों ने लेके गए थे फिर डी आई जी किसके अंदर बैठा कैबिन में इनके पहले पूछताछ की फिर मेरे को बोला अंदर हाँ तो फिर बोल बेटा क्या है नाम तेरे ये है वो है हाँ तो मेरे को पूछे वो तुमने वहाँ पे क्या कहते थे बोला ऐसा सही हुआ था इतने बजे उतने बजे ये भैया वो हुआ बोला ऐसा कुछ ये देखा था चलो मैंने तो कुछ नहीं देखा था इन्होंने बोले मुझे कि शोल्डर मशीन बोले कि गन बोले बोला अब मेरे को शोल्डर गन बोले तो मालूम नहीं था वो हम उसको उन्होंने बोले वो बताया हुआ एक ला के दिखाई ऐसा मिला था बोले बोला ये तो दागनी है ये तो दागनी तब मराठी में आप शोल्डर गन उसको मालूम हो क्या है उसके पहले कुछ वो क्या क्या मिला था ऐसा सर इन्होंने मेरे को ये बोले कि वहाँ पे एक गन मिला था बंदूक और क्या मुझे शोल्डर गन बोला उनको बंदूक ऐसा बंदूक मिला बोले दो चार ऐसे खड़े मिले उनको बोले बोले उन्होंने तो फिर उन्होंने गुस्सा किया उसको किसने गुस्सा किया मेरे साथ जो भी थे वो लोग ए पी आई पी आई उनको तुम क्या तैयारी करोगे कल गवाही इनके ये डी आई जी ने गुस्सा किया उनके जी लाटकर ने गुस्सा किया कि ये शोल्डर गन को बंदूक बोल रहा है बिठाए चेयर पे कपड़े निकाले कान को दो प्लग लगाए चेस्ट पे लगाए और एक वहाँ लगा दी आंखों को काली पट्टी बांधी दोनों हाथों को कुर्सी से बांधे और इसके बाद शॉक दी दोनों कानों पे दो प्लग चेस्ट पे और पेशा किया बयान भी लिया आपका हाँ बयान भी लिया बयान कुछ नहीं लिए थे लिख के दिए बोले ये पढ़ना है बोले फिर वहाँ पे हवा को पुना में मामा ने डील करे सात जो था ना उससे डील हाँ उससे डील करे मामा तो उसने 3 लाख रुपए बोला किसने बोला सातवा ने कौन सातवा जो था ना वहाँ का पुलिस वाला एटीएस में था अभी है तो इंचार्ज पंच के कहीं शिवाजी नगर का कहेंगे तो भी इंचार्ज है सातो विनोद सातो एसीपी हाँ एसीपी तो कहा क्या था बोलो हाँ ये बोलना है बोले अगर नहीं बोले तो क्या है बोले तू भी अंदर रहेंगे बोले कोई बात नहीं गए मजिस्ट्रार के सामने खड़े करे उन्होंने तो मजिस्ट्रार ने बोला क्या बोलना चाह रहा बोल बोले मेरे कुछ नहीं सर हिमायत बेग मेरा दोस्त था मैं उसके साथ में रहता था और उससे उसके पास मैंने एटीएम सिर्फ इसलिए दिया था कि वो मेरा दोस्त था और वो मुझे जॉब के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं ट्राई करता रहता था और मेरे को जॉब पे लगाने वाला था मैं इस बुनियाद पे मैंने उसको एटीएम दिया था और वो मेरा दोस्त था अपना एटीएम कार्ड आपको आपने दिया था उसको तो बस इतना बोले रिटर्न आ गए तो जज ने लिखा नहीं वहाँ वो मजिस्ट्रार था ना कुछ लिखा नहीं फिर वो एटीएस का कदम है ना मैंने ऐसा गले में हाथ डाला अंदर ले जाके धकेला साहब बोले बच्चा है बोले डर गया बोले अभी लोग बोले भाया तो उसने बोला कुछ ना को करूँ ऐसा पेपर उठाया हूँ ये पढ़ के सुना बोले ज़्यादा देर हुशियार की बात करूँ ना मजिस्ट्रार ने बोला मजिस्ट्रेट ने बोला कि पेपर पढ़ा इसको ये पढ़ के सुना ज्यादा होशियारी की बात करूँ ना तो फिर आपने लेकिन ऐसा कुछ छपा था पेपर कि कोर्ट में भी आपने बोला हिमायत के खिलाफ बयान दिया हाँ बाद में हमने कोर्ट में भी बोले तो उस वक्त हुआ ये था कि हमारे एक भौनी साहब हैं और थोड़ा संकी भी है वो और मसला ये है कि
हमारे वाले साहब नहीं होने की वजह से हमारे वालिदा नहीं थे तो संभाले आला है, तो उन्होंने भवानी साहब को बुला के बिठा दिए थे। किसने? एटीएस में जब आपका बयान कोर्ट में होने वाला था तो वहाँ पे बुलाए थे उनको। आपको कोर्ट में कोर्ट से बयान देने से पहले बुलाया? उनको बुला लिए थे पहले, उनको बैठा लिया। हाँ, आपको कैसे पता चला कि उन्हें बुला लिया? फोन पे बात करे थे। फोन पे बात करे? अभी भी वो इतने सहमे हुए हैं आज की तारीख में भी। आज उसकी तो कोर्ट में आपने जो गवाही दी सब झूठी गवाही थी। क्या क्या कोर्ट में बोला? ये जो लिखा आना था, और कोर्ट में भी जज ने क्या किया था सिंपल वे, वहाँ पे अब्दुलरहमान साहब बैठे हुए थे, उनका वकील सामने था, उसने सामने ऐसा पेपर ढकेल दिया, जज ने आगे पेपर ढकेल दिया, स्टेटमेंट पेपर जो था जज ने आगे पेपर ढकेला, इधर से इन्हें पेपर रखा, और सामने जो बैठे हुए थे अंदर लोग पूरे एटीएस के लोग थे, हाथ रात में एक घूम रहा जैसा बाप का घर आंगन नहीं कह रहा था, वहाँ घूमते नहीं गए बच्चे, वैसे जो घूम रहे थे अंदर दो तीन लोग वो भी एटीएस के थे, हमारे पीछे से एक आके खड़े रह रहा, वो कर रहा, उन्हें देख रहा, ड्रॉप खोल के देख रहा वहाँ पे, वो भी एटीएस के, जैसा एक मजाक चल रहा, मजाक मजाक नहीं किया चलता किसी को, फाइनली कर दिए कि अब मजाक चल रहा है। तो जज भी ऐसा इन्हें ढकेल दिया, और वो राजा ठाकरे ने भी ऐसा पेपर सामने ढकेल दिया, और कोर्ट में जाने से पहले उन्हें मिला। कौन? आप मिले? हाँ, राजा ठाकरे। हम लोग तीन दिन थे ना वहाँ सर अपने, कोर्ट में जाने से तीन दिन पहले आप हम एटीएस के पास ही थे? एटीएस के पास थे हम लोग तीन दिन, पुणे में। पुणे तो कहीं एटीएस अपने ऑफिस में रखा था कि कहीं होटल में रखा था? होटल में रखे थे एटीएस में। एटीएस तो वहाँ पर क्या करते थे एटीएस के? एटीएस वाले वो सिर्फ स्टेटमेंट याद करूँ बस, याद रटाते थे। हाँ, रटाते। क्या क्या रटाया? वही पूरा रटाते थे क्या? जो स्टेटमेंट लेटर में लिखा आ रहा था जो हिमायत के खिलाफ सारे। हाँ, क्या क्या बातें? कि ये अक्सर जिहाद की बात करता था, और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जैसे कि इसके गुजरात का, बाबरी मस्जिद का, इसका उसका जिक्र करते रहता था, अफगानिस्तान के मुसलमानों का जिक्र करता था, ये ऐसी बातें उन्होंने कर दी। और ये सारी बातें कभी हिमायत आपसे नहीं करता था? नहीं, कभी भी नहीं। तो सब ये झूठा रटाया आपको? झूठा रटाया। कौन कौन रटाता था? रटाने के लिए जो थे, तो उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया पुनः एटीएस ऑफिस में, और वहाँ की जो टाइपराइटर्स थे ना, और जो लिख रहा था ना, वो एटीएस ऑफिस में हमारे सामने दो से तीन बार आए। कोर्ट में जब गए थे गवाही दे रहे थे, सब झूठ बोलना पड़ रहा था, तो हिमायत से नजरें मिलाई थी? हिमायत की तरफ देखा था? वो देख रहा होगा आपकी तरफ। तो ये अब अफसोस नहीं होता है कि आपकी गवाही की वजह से उसको? नहीं, ऐसा कैसा अफसोस नहीं होता, वो तारीख से आज की तारीख तक की अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, बराबर सुकून की नींद। सुकून की नींद नहीं होती? अल्लाह गवाह है। कई वक्त तो फजर की नमाज को ऐसा उठते हैं, हिमायत भी आते हैं, हाथ ऐसा करते हैं, ब्याग लगे हो, देख गुरुदेव आ गया कि नहीं, बोला था ना आऊंगा बोल के। गवाह है, वो न्यूज़ बार बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मतलब पढ़ने के बाद न्यूज़ भरोसा नहीं हो रही है, वही है क्या? फिर बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, तीन चार बार पढ़ ली मैंने। ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहा था, मतलब ये होने के बाद, मतलब उसको सज़ा हुई जब? हाँ, सज़ा हुई तो उसके बाद मतलब ब्लेम कर रहा हूँ मैं अपने बोलने पर। यार दवाई दी ना, सीधी बात है ना, ज़मीर इंसान का कितना भी हो और क्या आदमी कितना भी कमी ना हो, सब समझ लो, इनका अंदर से इसको बोलता ही है कि यार तुमने गलत किया। तो आपको उधर जब एटीएस लेके गया था, तो मतलब ऐसे पूछा था कि बस यही बोलना है, कुछ दिया रिटर्न दिया कुछ ऐसे बोलना है? नहीं, रिटर्न नहीं दिया, बताया मुझे कहानी बनाई पूरी वैसे, बोलना है मैंने बोलना है वही बोला इसके साथ, मैजिस्ट्रेट के सामने बोला था ये? हाँ, मैजिस्ट्रेट। बस वो कहानी जैसा बोलते ना, ऐसा होता है, कैरेक्टर होता है, कहानी बनाता है,
पात्र जो होते डायरेक्ट का जैसा बोलता वैसे ही करते हो, अपना तो कुछ कर ही नहीं सकता, वैसे ही चल रहा था हमारा जिस तरफ हम मोड़ है मोड़ है जिस तरफ रुक रहे रुक जा रहे कुछ कर भी नहीं सक रहे थे, क्या करेंगे बताऊँगा आम इंसान क्या करेंगे, किसी पर भरोसा भी नहीं, कहीं जाएंगे तो चला बात लीक हो गई और नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ होगा ही नहीं, तो मालूम था लेकिन मेरे को हमेशा की बात समझ नहीं आती है, इतनी बड़ा डिपार्टमेंट है इतना मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मतलब वो इतना कुछ भी कर लेते हैं कुछ भी कुछ कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, कुछ कहानी बना के तुम बना देंगे यार, टी वी सीरियल थोड़ी है कुछ बना देंगे यार, बहुत अफसोस हो रहा बात मैं यार ये क्या है, और वो हो भी गया वो थोड़ा फेक मतलब ऐसा हो गया, तो इनको ऊपर कोई है कि नहीं यार अथॉरिटी, इनके ऊपर कोई है नहीं, कोई क्या कर रहे हो जो कर रहे हो चल रहा है, जो बोल रहे हो रहा है, जो स्टोरी जो बताया था आपको वो बताने के लिए एग्जैक्टली मतलब क्या बताने को बोला था, मतलब उसका माइंड ऐसा है जो भी हो रहा है जो हो रहा है और कोर्ट में जब आपको ले गए थे तो क्या हुआ, ट्रेनिंग हुई, किसने ट्रेनिंग करी, डोर के कौन है, तो क्या ट्रेनिंग करता था, स्टेटमेंट प्रोसीक्यूशन, तो क्या बोलता था क्या बोलना कोर्ट में, जैसा पूछा तैसा बोलना, जो स्टेटमेंट है जैसे कि एक तो नाम, मेरा नाम बताओ, प्रोफेशन, फिर उसके बाद उससे मुलाकात, हिमायत तो ये मैंने जो हकीकत थी उसकी ट्रेनिंग देते थे या हकीकत से हटके कुछ, हकीकत से हटके बहुत सारा उसमें एडिशन था, जैसे कि ऐड किए थे, जैसे कि मैं था एक तो मैंने ये बोला था उससे कि मेरी उसकी नमाज पर बहस हो गई थी, मुसलमानों और अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, उसका बदला हम चढ़ा करके लेंगे, ये उन्होंने ऐड कर दिया, ये ऐड एटीएस वाले, हां दो तीसरा वो जिस दिन हम पुणे गए थे पीएफआई के प्रोग्राम, तो दिन भर गए, दिन भर वो गायब था, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था, वो आपके साथ था, तीन चीजों में मैंने दो चीजों पर ऑब्जेक्शन लिया, किस पर, पहले लिया एक तो अहले जमात का मैंने लिया, एक जमात का मैंने लिया, उसको थोड़ी बहस हुई फिर वो मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, लेटेस्ट ने गवाही मतलब मेरा हक है अधिकार है ठीक है कर देता दे, मैं यूटर्न ले लिया कोर्ट में जाकर वो कर दिया। लेकिन जज को किसी को पता नहीं था कि मेरी उसके 13 तारीख को मुलाकात हुई थी, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी और हिमायत की 13 तारीख को मुलाकात कहाँ पर, औरंगाबाद में, कब, वो किसी को नहीं पता था मुझे पता था, कब मुलाकात हुई थी, जिस दिन इंसिडेंस हुआ, कितने बजे मुलाकात हुई, 8:30 8:30 आपने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने पहले कुछ कॉल हुई थी मैं पूरा हो गया, तो अपोजिशन वाले पूछा अब्दुल रहमान होती पूरा थोड़ा सा पूछता, मुझे ये तो पता था कि हिमायत बेग ने बोला ही होगा उनको क्रॉस भी हो सकता है, उसने पूछा तुमने 13 तारीख को एग्जाम दिए थे, आपने दिए थे, मैंने बोला 13 14 भी दिया ठीक है ठीक 14 भी दिया, लेकिन 13 तारीख को तुम्हारी इसकी मुलाकात हुई, अब्दुल रहमान ने पूछा, अब्दुल रहमान ने पूछा, मुझे तो मानना पड़ा, मैंने उसकी तुम्हारी बात हुई क्या, मतलब 2-3 बार बात हुई फोन पर, टाइमिंग 6:30 बजे फोन पर बात हुई होगी, उसके बाद 8-9 बजे तो कब मुलाकात हुई थी जैसे पूछा, ईशान के बाद नमाज चल रही थी, ईशान की जमात हो गई थी, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, ईशान के बाद टाइम शाम करा, टाइम शाम टाइम करेक्ट टाइम में 8:30 वो पाँच का सबसे पता सब लोग जमा हो गया,
टीपी पता नहीं था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर सकता सरकारी, वो शॉप में जा सभी शॉप में चले। ठीक है चलिए, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँ सर क्या यानंतर मला पोलिसांचा त्रास होऊ नये अशा सूचना करा, इसके बाद मुझे पुलिस से तकलीफ नहीं होना कुछ ऐसे ऑर्डर्स दो पुलिस। जज ने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं होना, कुछ हुई का तकलीफ वो सरकारी वकील पूछा तुला का त्रास झाला का, तुझे कुछ तकलीफ हुई क्या, मला नहीं हुई, नाटक मत करो चल निकल। जज ने बोला अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। ठीक है बाहर आए तो शायद हॉस्टल डिक्लेयर करें, डिक्लेयर कर तो बोल तो मैं जब से बैठा सब परेशान किया ये किया वो चार पाँच पी आए थे सब ऐसे सेटिंग करते अलग 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 जमा हो रहे थे जैसा अटैक करने वाले सब एक दूसरे को फना कर रहे ऊपर फना कर रहे मैं परेशान बैठा। फिर उठ गया बोला मैं यहाँ से निकल जाती बोला क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम यानी यहाँ से निकलना तो पूरे पत्र रिपोर्टर्स इन्हें घेर लेंगे। और जब आपको पहली बार जब पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी आपने बताया था कि आपकी 13 तारीख को मुलाकात, मुझे भी याद नहीं बाद में याद आया उसका प्रूफ बोल के मैंने हॉल टिकट भी ले जाया था मेरा एग्जाम था जज को देना चाहा मैं जज ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप हॉल टिकट ले गए यहाँ पर नहीं कि 13 तारीख को मुलाकात हुई थी। हाँ मेरी उसकी मुलाकात थी 13 तारीख तो 14 को एग्जाम जो दिया मैंने रिटर्न एग्जाम दिया उसका हॉल टिकट मुझे मिल गया हॉल टिकट मैंने निकाला। तो उसमें ये भी था हिमायत भी था एग्जाम एग्जाम आपके साथ था वो। हाँ उसी के घर पर रुके आप उसी घर पर रुके मतलब एक फ्रेंड जिसके रिसेप्शन में है उसके हाँ उसको मैं एग्जैक्ट बोलता हूँ मुझे भी कसा पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रह सकता था। यहाँ से पहले बात हुई दोपहर में यहाँ से 3 बजे कुछ ट्रेन से गया आप हाँ और एक फ्रेंड था 13 तारीख हाँ 13 फरवरी 13 फरवरी दिन प्लस वहाँ पर पहुँचे 8:30 फिर उसको पहले कॉल किए थे बोला आ जाऊँगा स्टेशन पर फिर कॉल किए कहाँ पर मस्जिद के बाहर 8:30 बजे कॉल किए नमाज़ पढ़े वजू वगैरह करके फ्रेश होकर नमाज पढ़िए जितने असर ईशा तीनों नमाज एक साथ उनको सफ़र के नमाज लगभग इसमें आधा घंटा गया वहाँ से ऑटो पकड़े रोशन गए रास्ता कम से कम आधा घंटा 8:30 से 9:30 बजे वहाँ पर दुकानें वगैरह सब चले थे फंक्शन उस टाइम तक लगभग हो गया नहीं तो मगरिब बाद शुरू होता है किराने दुकान थी वहाँ उन्होंने रिचार्ज किए वो नौशा को फ़ोन करे दूल्हे को किसने फ़ोन रिचार्ज किए हिमायत वो भी टाइमिंग आ सकता है अगर कॉल लेते रिचार्ज करवाया उसको फ़ोन किया वेट करे वहाँ वो 8:30 से वहाँ आधा घंटा तो गया हमारा जेरॉक्स वगैरह लिए मेरे जो दूसरे दिन एग्जाम था उसको 10 बजे पूरे दुकानें चालू फिर वहाँ से पैदल उसके घर तक गए आधे से पौन घंटे का रास्ता लगभग 11 बजे का वहाँ पर भी एक किराने दुकान चालू पूरे दुकान में से बिस्किट पड़ा दिया उसके घर पर गया वहाँ तकरीबन 1 घंटा लगा किसके घर पर गया वो जिसका रिसेप्शन था वो वहाँ से घर पर कितने बजे पहुँचे वो जो था पूरा करेक्ट था 11 बजे तक दुकान भी चालू थी पौने 11 बजे दुकान चालू थी वहाँ पर किराने दुकान गली में वहाँ 11:11 बजे फिर उसके घर पे गए लगभग 1 घंटा वेट करे घर के सामने उन्हें दिया गेस्ट ने 1 घंटा तो वेट किया होंगे छत पे बैठ गए क्योंकि उन्हें चाय भी नहीं थी फिर वो दूल्हा आया 11:30 12 बजे जब आके उन्हें मुलाकात गले मुझे मुबारक जब सब अगर मेरा टाइम 8:30 से आगे जाता है 1 घंटा तो पॉसिबल नहीं कि 12 बजे तक दुकान चालू रहना पॉसिबल नहीं तो 11 बजे तक रोशन गेट चालू रहना 1 घंटा मैं आगे बढ़ता हूँ 8:30 इसीलिए टाइमिंग करेक्ट। तो 8:30 बजे आप लोग मस्जिद के बाहर मिले आप 8:30 बजे मस्जिद के बाहर मिले 3 वक्त की नमाज़ पढ़ी तीनों नमाज पढ़ी फिर उसके बाद फिर आप लोग रोशन गेट गए आधे घंटा लगा रोशन गेट पे उसे फ़ोन रिचार्ज कराया 8:30 से रात के 12 बजे तक साथ में थे उसके बाद साथ में सो गए कैसे बनाया गवाह समझा नहीं आपको इन्होंने कोर्ट में गवाही दी है ना हाँ दी है तो उस गवाही में क्या आपने क्या बोला कोर्ट में
वो बच्चा मेरे साथ रहता था हिमायत भाई और पढ़ाने के लिए था, दो महीने हमारे साथ रहा। फिर पहचान कैसे हुई, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ाते था वैसे पहचान हुई। फिर उसके दो बैग मेरे पास थे, अभी शॉर्ट में बोला, बैग दो में मेरे पास थे, तकरीबन मई जून में मेरे पास आया था, जून के महीने में आया करता था रात में, वो मेरे पास एक घंटा बच्चों को पढ़ाया करता था, ट्यूशन्स थे, ट्यूशन्स थे मेरे, ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाया करता था। बस इतनी बात बोली कि फिर उसके बाद एक 15-20 दिन से वो आने नहीं लगा। मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने पर उसने आंसर नहीं दिया फोन। फिर सितंबर के महीने में जो ये प्रकरण सामने आया, सवेरे में 10:30 बजे मेरे सामने घर पे आए और मुझे रेस्ट हाउस पे ले गए। फिर पूछा हसन सर कहाँ आए, उनका नाम पिट नेम हसन सर था। तो मैंने बोला 15-20 दिन से तो आए नहीं, बोला ठीक है, बोले उनका दो बैग का है, बोले बोले मेरे घर पे ठीक है, घर से लेके आ लो। ले जा लिया मैंने, लेके आने के बाद अरे ठीक है अंदर बैठ जाओ, बोले क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबराए वाले थे, लिमिट से ज़्यादा घबराए वाले, क्योंकि हमने आज तक कभी केस देखा नहीं, अभी भी हमारे यहाँ पे कोई केस नहीं है और हमें कभी केस देखा नहीं, कोई ऐसा चीज़ मालूम ही नहीं, एटीएस क्या है, पुलिस क्या है, तो हम खुद घबराए हुए थे, क्या चल रहा क्या नहीं हमको समझ रहा नहीं था। हाथ पैर कांप रहे थे हमारे उस टाइम पे जब खुला था, बात करने को भी सीधा नहीं आ रही थी, बैग ला के दिए, बोले अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ गए, अंदर बैठ गए, तकरीबन 11 बजे हम अंदर बैठे रूम में, 3-4 बजे तक बैठे हम अंदर, 4 बजे के बाद हमको बाहर बुलाया, 4-5 बजे के बाद, इफ्तार का टाइम था, रोजे के दिन थे, 28 से 27 रोजा था उसके, तो बुलाने के बाद बोले हिमायत बेग जो सर है, बोले तुम्हारा वो एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसने जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट किया है और उसके बैग के हमने ये किया, बोले तो तब क्या बोले उसको पंचनामा किया, बोले पंचनामा क्या है और उसके अंदर से 51 चीज़ें मिली, बोले 41 और उसकी हम लिस्ट बनाई है, बोले सिग्नेचर कर दो, बोले दिखा है ओरल, ये पेंट है, ये अतर है, ड्रेस है, मोबाइल है, 2-3 किताबें हैं, ऐसा बताया उसने। अब हमको वो देखने के लिए कहाँ हमारे जहन में था, हमको वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात थी, क्या हम तो सोचे भी नहीं क्या है, क्या करना, क्या प्रोसीजर होता है, पढ़ना वो तो हमारे सामने तो खोल ही नहीं रहा। हम अंदर रूम में बैठे थे, जब जाते हो बोले यहाँ सिग्नेचर करो, बोले मैंने सिग्नेचर कर दिया। और वहाँ कोई पंच भी था, उमा कान चटनाले टाइप? नहीं कोई भी नहीं थे, बाद में बुलाया उन्होंने। अब वो पंच थे नहीं थे आपको नहीं पता है, अब हमको क्या पता है, उन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया, वो बोले वो दो पंच थे, बोले ऐसे थे, बोले तो कोई सामने तो हमारे आया नहीं। और कोर्ट में भी आपने यही बताया? यही बताया मैंने, आपने कोर्ट ने बताया कि मेरे सामने कोई नहीं आया मेरे उससे? नहीं मैं उसने बोला पंच थे, बोले तो ऐसा क्यों किया? एटीएस वाले बोले बहुत प्रेशर था मुझे, हमारे भाई को ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे तुम्हारी जिंदगी, हमारा वकील बोल रहा है, बोले राजा ठाकरे के, अरे लॉस उसके साथ में रहता था, बोले उसको भी चार्जशीट के अंदर उसका भी नाम आना चाहिए, आरोपी बोले के। ये आपसे बोला? हमसे बोला, तुम बोला भी हम उस टाइम घबरा गए बहुत सारा, तो हम बोले भाई हम साहब ने बचाया, बोले संजय लाठकर साहब ने तुझे बचाया, बोले क्या संजय लाठकर साहब ने तुझे बचाया, बोले तो हम बहुत बहुत बड़ी बात हो गई हमारे पे केस नहीं हुआ था, हम उस टाइम पे ऐसा फील किए, तो उन्होंने वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम हमको डराते गए, 5-6 बार आए हुए हैं, 7-10-15 बार आए। कौन? रेड्डी सुधाकर रेड्डी, गायकवाड़, मिलिन गायकवाड़, सबनीस, ये पुणे की पुलटी मारी थी, आगे बोलते थे क्या है कचड़ा क्या कर रही है था ऐसा डराते थे, अब हमको कुछ मालूम नहीं था, बोले सर ऐसा था तो ऐसा ऐसा जवाब देने का ऐसा जवाब देने का ऐसा देने, अगर तो कोर्ट में ऐसा नहीं जाता तो पूरा केस उल्टा आता तेरे ऊपर आ जाता है, ऐसा वैसा तेरे पास से आरडीएक्स मिला है ऐसा ऐसा, बोले मुझे आपके पास आरडीएक्स मिला था कोई? तो मैंने बोला उनको क्रॉस किया मैंने संजय लाठकर साहब को,
सर आडियंस कहाँ मिला बोला? आडियंस तो नहीं मिला, ऐसा कोई बताया नहीं। उस टाइम पे भी नहीं बोले मेरे को, जब पंचनामा हुआ तो उस टाइम पे भी नहीं बोले। और मेरे बयान में झूठ बात ये भी बोला मैंने कि उन्होंने पंचनामा पुलिस थाने में किया, उनके उसने बोलने लगाए थे, बोला क्योंकि पंचनामा तो वहाँ किए थे उन्होंने डस्ट हाउस पे किए, अब कोई पुलिस विलिस कोई भी नहीं, डस्ट हाउस पे ले पंचनामा गए थे। वो भी एक बार झूठ बोलने लगा मेरे को, और उन्होंने ऐसा करेगा ऐसा करेगा तेरे पे केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तेरे पे, ये फर्क पड़ सकता है, ऐसा डरा है बहुत सारे दिन पे ले जा रहे। तो उससे पहले भी ट्यूटर किया था? कम से कम चार बार बुलाया मुझे पुणे में उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले। आज कल अगर पेशी होगी तो दो दिन पहले बुला देते, चार तीन बार मेरी पेशी कैंसिल करे, ये नहीं बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे फिर वापस भेजते थे। कौन ट्रेनिंग देता था? मिलिंद गायकवाड़, सबनी सर, ई रेड्डी, फिर उसके बाद लोबो, उसके बाद संजय लाठकर, ये चार टप्पे से ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग देके फिर लाठकर साहब के सामने ले जाते थे? लाठकर साहब के सामने, फिर उस वो पूछता था सवाल कोर्ट के सर का, वकील के सर, फिर सही जवाब दिए तो ठीक। क्योंकि मैं थर्ड टाइम जब गया था तो मैं संजय लाठकर को क्रॉस किया, उसने पूछा वो जो सफेद पदार्थ मिला आडियक्स बोले तू देखा क्या बोले, मेरा साहब मुझे नहीं मालूम आडियक्स क्या, कहाँ मिला मेरे को भी नहीं मालूम, नहीं मिला। तो बहुत गुस्से में आ गया, गुस्से में आके असिस्टेंट को गाले स्वीकार कर गाले दे, बस थक मारी करा लोगा, ऐसा करा लोगा, ऐसा करा लोगा, तेने का बोला काटते तुम्हारा, ऐसा मतलब तुमको कुछ समझता है क्या, वो क्या बोल रहा है, वो ऐसा है वैसा है, उनको गुस्सा क्या असिस्टेंट को, असिस्टेंट को हाँ ठीक से सिखा के नहीं रहा है। हाँ ठीक से सिखा के।